Hello guys, a very warm welcome to the channel Personal Diaries. I hope you all are doing good. दोस्तों आपको भी कभी फील हुआ है कि दैट यू आर बिकमिंग स्लेव टू द स्टफ या आप गुलाम बनते जा रहे हैं नई चीजें जो खरीदने की फीलिंग होते हैं उस फीलिंग के या आपके लिए भी मोर स्टफ इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस है आपको भी एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलती है सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलती है जब आप कोई नई चीज खरीद के लेके आते हैं होता क्या है दोस्तों ये फॉल्स फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट या फिर फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जन्म देती है होर्डिंग को मतलब अननेसेसरीली चीजें इकट्ठे करने की आदत को या फिर शॉपिंग को और जो अल्टीमेटली बदल जाती है क्लटर में जो फिर उसको संभालना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर थ्री थिंग्स फर्स्ट थिंग इज पैरामीटर्स टू जज द क्लटर सेकेंड थिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लटर एंड थर्ड थिंग how to declutter the house तो पहली चीज की बात करते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं किसी भी चीज को जज करने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर आइटम क्लटर कैटेगरी में फॉल करेगा या नहीं तो आपको पहली चीज ये देखनी है कि क्या आप वो पर्टिकुलर आइटम इसलिए तो नहीं स्टोर कर रहे क्योंकि आप उसके प्रति सेंटिमेंटल फील करते हैं या उससे कोई आपकी मेमोरी अटैच है क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि हम पर्टिकुलर चीज को अपनी फॉल्स इमोशनल अटैचमेंट की वजह से हम उसको डंप भी नहीं करते ना उसको हम यूज करते हैं और वो साल दर साल एक कोने में ही पड़ी रह जाती है और इन ड्यू कोर्स हमें वो चीज याद तक नहीं रहती है जब भी हम उस चीज को सामने देखते हैं हमें लगता है कि वही मेमोरीज हमारी ताजा हो रही है और फिर हम उठा के उसको कॉर्नर पे रख देते हैं और अल्टीमेटली वो एक क्लटर की तरह वहां पे पड़ी रहती है तो देखिए अगर आप खाली मेमोरी की बात है ना तो मेमोरीज आर नॉट टेंजिबल आप उसकी उस पर्टिकुलर आइटम की एक फोटो क्लिक करके भी रख सकते हैं तब भी वो उतनी ही वैल्यू रखेगी जितनी कि वो खाली डंप होके पड़ी हुई है तो इसके लिए आप अपने आप को ब्रूटली ऑनेस्टली से क्वेश्चन कीजिए कि डू यू रियली लाइक द आइटम या डू यू रियली यूज द आइटम और अगर आंसर नो में आता है तो 100% वो आपका पर्टिकुलर आइटम पर्टिकुलर चीज क्लटर कैटेगरी में फॉल करती है इसको कंफर्म करने के लिए आप अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछिए जिसमें आप पूछिए क्या मैंने ये पर्टिकुलर चीज पिछले बीते एक साल में यूज करी है या नहीं अगर वो चीज आपने बीते साल में यूज नहीं करी है तो वो आप लिखवा के रख लीजिए अगले आने वाले सालों में भी यूज नहीं करेंगे वो 110% क्लटर कैटेगरी में फॉल करती है तो ये तीन पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से आप जज कर सकते हैं कि ये क्लटर है कोई पर्टिकुलर चीज क्लटर है या नहीं पहली चीज क्या आप सिर्फ सेंटीमेंट के वजह से उस चीज को एक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं या डंप करते जा रहे हैं किसी कॉर्नर में सेकंड क्या वो चीज कोई वैल्यू ऐड कर रही है या नहीं डू यू रियली लाइक इट डू यू रियली यूज इट एंड तीसरी चीज क्या बीते हुए साल में लास्ट ईयर तक आपने वो चीज यूज करी या देखी अगर आंसर नहीं है तो मींस वो क्लटर है दूसरी चीज अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ क्लटर और वो क्या हो सकते हैं जैसे डुप्लीकेट चीजें होना घर में मतलब एक चीज आपके पास ऑलरेडी पड़ी है वैसे ही सिमिलर एक और चीज आप और ले आए मार्केट से अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है एज इन आप वो आपको पुरानी चीज भूल गई या कुछ खराबी की वजह से आपने वो डंप करके रखी है आप उसको फिक्स भी नहीं करा रहे हैं फेंक भी नहीं रहे हैं और नई चीज ले आए या फिर कोई ऑफर अच्छा लगा हुआ था या कोई लेटेस्ट डिजाइन लगा हुआ था तो सिमिलर चीज आप जो है बाजार से खरीद के ले आए तो वो जो पुरानी चीज है आप उसको यूज नहीं करने वाले हैं वो 100% एक क्लटर बन के रह जाएगी ये चीज आपकी क्लोदिंग में भी हो सकती है ये चीज आपके पेयर ऑफ शूज में हो सकते हैं ज्वेलरी पीसेस में हो सकते हैं आप एक्स्ट्रा बुक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं देन स्पेयर बॉक्सेस कंटेनर्स एंड लिस्ट जस्ट गोज ऑन मैं अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पास एक हैंड ब्लेंडर था जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट किया था देन उसके कुछ समय बाद मुझे एक और हैंड ब्लेंडर पसंद आ गया जिसका डिज़ाइन अच्छा था तो वो भी मैंने परचेज किया और वो अच्छी खासी कंडीशन में था चल रहा था लेकिन एक दो साल बाद एक और हैंड ब्लेंडर मुझे पसंद आया जिसके ऊपर अच्छा खासा ऑफर लगा हुआ था तो इसलिए मैंने वो भी परचेज कर लिया तो अल्टीमेटली जाके तीन हैंड ब्लेंडर मेरे पास इकट्ठे हो गए तो जो पहले दो थे वो मैं यूज नहीं करती थी सिर्फ नया वाला ही यूज कर रही थी इससे हुआ क्या ठीक कंडीशन में होते हुए भी एक क्लटर की तरह पड़े हुए थे
देन मैं अपनी एक बुरी आदत आपको बताती हूँ, मुझे आदत है कंटेनर्स जो है, ऑब्सेशन है मेरे को कंटेनर्स इकट्ठे करने का या ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स इकट्ठा करने का, वो अलग बात है। तो मैं उसको कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर ही लेती हूँ, यूटिलाइज कर ही लेती हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से पता है ये मेरी आदत होर्डिंग की है। तो ऐसे ऐसी ही आदतें आप में भी हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा और कीनली आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। ये मैं आपको आने वाले थर्ड सेक्शन में बताऊंगी कि इस चीज को फिक्स कैसे करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड सेक्शन की, हाउ टू फिक्स इट और हाउ टू डीक्लटर योर हाउस दिस दिवाली, क्योंकि अब तो बहुत अच्छा मौका है, दिवाली का मौका है, हर एक जन घर की सफाई में जुट जाता है। तो इस साल आप प्रॉमिस करिए खाली सफाई ही नहीं करेंगे बल्कि डीक्लटर भी करेंगे अपने घर को, और वो कैसे करेंगे, आई विल हेल्प यू आउट। तो उसमें पहली चीज जो आएगा, पहला पॉइंट आएगा, वो होगा डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब चीजों को टालना बंद करिए। आपको चीज पता भी है बट स्टिल आप उसको साफ करके वापस वहीं रख देते हैं, जिससे कि कोई चेंज नहीं आता ना वो किसी के यूज में आ रही है और जस्ट पीस ऑफ क्लटर बन के आपकी जगह घेर रही है। स्टार्ट करिए एक एक कैबिनेट से, एक एक ड्रॉअर से, वही तीन पैरामीटर्स में फिक्स करके देखिए वो चीज फॉल कर रही है तो डिस्कार्ड करिए, अगर फॉल नहीं कर रही है तो उसको यूज करिए। सेकेंड पॉइंट विल बी रिक्रिएट द थिंग्स, अगर आपको ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं यूज कर पा रहे हैं और एक क्लटर की तरह एक्ट कर रही है तो नई चीज लेने की बजाय उसी को रिक्रिएट करिए। अब रिक्रिएट आप कैसे कर सकते हैं, लेट से हम कई बार होता है कि फर्नीचर की ही बात कर लें, लेट से अगर हैवी फर्नीचर होते हैं जैसे सोफाज हो गए, वो एक ही जगह पे हम देख देख के बोर हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं अब इट्स टाइम टू चेंज, हमें अपना सोफा चेंज करना चाहिए जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपका खर्च करवाएगा। तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, सोफे की पोजीशन चेंज करके देखिए, उसकी सेटिंग चेंज करके देखिए, उतना भर करने से ही आपके रूम को एक नया लुक मिल जाएगा, एक नई फ्रेशनेस आ जाएगी। और एल्स आप क्या कर सकते हैं, आपके जो कुशन कवर्स होते हैं उसको चेंज कर दीजिए, उससे भी एक फ्रेश लुक आपकी जनरेट हो जाएगी, नयापन आ जाएगा और आप अननेसेसरीली नई चीजें खरीदने से अपने आप को रोक पाएंगे। अब जैसे फ्लावर वास की मैं बात करूं तो वास ना चेंज करके आप फ्लावर्स चेंज कर दीजिए, जिसमें कि आपका इतना पैसा भी नहीं जाएगा और आपका नयापन भी, आपको एक नयापन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आप रिक्रिएट कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी DIY वीडियोज हैं जो कि अवेलेबल है YouTube पर, सिर्फ आपको उनको देखना है और अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। देन थर्ड पॉइंट विल बी कीप ऑन रोटेटिंग द थिंग्स, पहले आप उन पैरामीटर से मैच कर लीजिए अपना पर्टिकुलर चीज को, अगर वो फॉल नहीं करती है और वो अच्छी कंडीशन में है, जैसे कि अगर क्लोदिंग की बात करूं जो आप पहले डंप करके रखे हुए हैं उसको वापस हैंग कीजिए ताकि वो आपके सामने आपको दिखे, आप वो पहनिए, और जो नए आप कपड़े खरीद रहे हैं उसको वापस कुछ टाइम के लिए फोल्ड करके रख दीजिए कुछ टाइम में, फिर वाइस वर्सा जो पुरानी चीज जो नई चीज है उसको वापस रखिए, पुरानी को फिर आप रोटेट करिए, एंड कीप डूइंग इट, कीप ऑन रोटेटिंग द थिंग्स, कीप ऑन रिक्रिएटिंग द थिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोनेट द थिंग्स, इससे बढ़िया सेंस ऑफ एक जो सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको अपने गिविंग के जेस्चर से, वो दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी और चीज से इतना प्लेजर आपको, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बशर्ते जो आपकी चीजें हैं वो ठीक कंडीशन में हो। देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक ड्रॉअर पकड़ती हूँ, एक एक कैबिनेट पकड़ती हूँ, और जो मुझे लगता है कि ये मेरी क्लटर कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसको निकाल के एक बैग में फिल करना शुरू कर देती हूँ। अब जब वो पूरा बैग फिल कर देता है, बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने बूथ कैंप्स भी लगाते हैं, वहाँ जाके इसको डोनेट कर सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से वो जब बैग भर जाता है मेरा तो उसको जाके हम लोग डोनेट कर देते हैं। सिमिलरली वो मैं टॉयज़ के साथ भी करती हूँ, और स्पेशली जब टॉयज़ की बात आती है तो आई विल मेक श्योर कि वो मेरा बेटा खुद से करे ताकि उसको भी ये हैबिट डेवलप हो, इस चीज़ की वैल्यू पता हो। और समटाइम्स क्या होता है, इतना भर भर के सामान नहीं निकलता, लेट्स से वन पेयर ऑफ शू निकल गई या वन और टू पीसेज ऑफ क्लोथिंग निकल गई, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको अपनी कार में रख लेते हैं। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं अपनी कार से तो बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स पर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे
होते हैं तो वो आइटम्स हम उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, विच इज द सिंपलेस्ट थिंग टू डू। मतलब आपको स्पेशली कहीं उठा के कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके थोड़ी क्वांटिटी में चीजें निकल रही हैं तो इस तरीके से आप एक रूटीन बना लीजिए, उसको बैग भर के आप अपनी कार में ही रख लीजिए। क्योंकि कई बार होता है स्पेशली जाना नहीं हो पाता या इंसान कभी भूल जाता है, तो आपके पास वो चीज़ अगर पड़ी होगी तो इजी हो जाएगा आपको डोनेट करना। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आई शैल सी यू इन माय अनदर वन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड पीस टू यू गाइस। बाय फ्रेंड्स।